गए साल 2020 में कोरोना का कहर कम होते ही हम कच्छ की सैर पर निकल पड़े। अहमदाबाद से 135 किलोमीटर दूर यह चुली गांव है। चुली गांव से गुजर रहे इस हाईवे के किनारे गोल्डन कलर का जैन मंदिर यहां से गुजरने वाले सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तीर्थ का नाम श्री तारंगा धाम जैन तीर्थ है। हम जब वहां पहुंचे तब सुबह के 8-8:30 बजे का समय हो रहा था। सूरज के सोनेरी किरणों से स्नान करता हुआ यह जैन मंदिर सोने के किसी अमूल्य आभूषण से कम नहीं लग रहा था। जैसे जैसे हम मंदिर के समीप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मंदिर को करीब से देखने की हमारी तमन्ना, हमारी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। जैसलमेर स्टोन से बने हुए इस भव्य जिनालय की अंदर और बाहर की दीवारों, तोरण, शिखर, स्तंभों और इस पर बारीकी से बनी कलाकृतियाँ सभी को अपनी ओर आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर देती है। शायद आपको यह मंदिर कुछ अलग प्रकार का, अलग शैली का लग रहा होगा, है ना? सही बात है। आमतौर पर जैन मंदिर की रचना, जैन मंदिर की डिज़ाइन इससे भिन्न प्रकार की होती है। वो जो शैली है उसे नागर शैली कहते हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह द्रविड़ शैली से बना हुआ जिनालय है। द्रविड़ शैली के देव मंदिर ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। इस मंदिर की डिज़ाइन अहमदाबाद के सोमपुरा मुकेश भाई ने बनाई है। पत्थरों की घड़ाई राजस्थान के शिल्पियों ने की है और इस पर बारीक नक्काशी का काम उड़ीसा के कारीगरों द्वारा करवाया जा रहा है।
मंदिर को बाहर से देखने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल खड़े हुए। सबसे पहले तो ये मंदिर यहाँ पर निर्माण हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या है? इस विषय में यहाँ के प्रमुख संचालक से बात की, तब उन्होंने बताया, श्री तारंगा धाम जैन तीर्थ का निर्माण कार्य 2009 में शुरू हुआ था और सन 2011 में पोष सुदी पंचमी के दिन इस जिनालय की प्रतिष्ठा हुई थी। इस जैन तीर्थ का निर्माण कार्य पिछले 13 सालों से चल रहा है और 2 साल तक काम चलते रहेगा, ऐसा यहाँ के संचालक महेंद्र भाई ने हमें बताया। कच्छ की तरफ जाने वाले द्रांगद्रा हलवद हाईवे पे इतने भव्य तीर्थ का निर्माण कैसे हुआ, इस विषय में मैंने यहाँ के मुख्य ट्रस्टी और द्रांगद्रा के निवासी हसमुख भाई से बात की। हसमुख भाई बहुत ही मिलनसार और सेवाभावी इंसान है। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले यहाँ एक विहार धाम बनाना चाहिए, ऐसा विचार आचार्य भगवान श्री विजय तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने व्यक्त किया था और तभी यहाँ केवल एक विहार धाम बनाने की ही योजना थी और इसके लिए हमने केवल यहाँ 2 बीघा जमीन ही खरीदी थी, मगर दादा की मर्जी से यहाँ इतना बड़ा भव्य तीर्थ बन गया, इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाद में यहाँ धर्मशाला और भोजनशाला वगैरह के लिए दूसरी जमीन भी खरीदी गई। इस विषय में विस्तार से बात करते हुए हसमुख भाई ने हमें आगे बताया कि आज से कुछ साल पहले द्रांगद्रा और हलवद के बीच में 30 किलोमीटर तक जैन साधु साध्वी जीवों के लिए कोई विहार धाम की सुविधा नहीं थी और इस बीच रास्ते में कहीं जैनियों के घर भी नहीं थे, इसलिए विहार करते साधु साध्वी जी भगवंतों को रास्ते में उबाले हुए पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको कहीं से पानी नहीं मिल रहा था और विश्राम की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यहाँ इस बीच एक विहार धाम की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और फिर जब चुली गांव के आसपास हाईवे पर एक विहार धाम होना चाहिए, ऐसा विचार परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद् विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य आचार्य भगवंत विजय तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने श्री संघ समक्ष व्यक्त किया, तब सन 2008 में यहाँ पर विहार धाम बनाने का निश्चय किया गया। बाद में सन 2009 में श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा और मार्गदर्शन में चुली गांव के पास एक छोटा सा जैन देरासर साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए 2 उपाश्रय और एक भक्ति गृह का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
श्री तारंगा धाम जैन तीर्थ के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने परियों से बना हुआ हाथी इस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। इस जिनालय के मुख्य लाभार्थी कच्छ वागड़ के श्री गाणीथर विशा ओसवाल श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ है। यहाँ के देरासर में प्रवेश करते फ्लोर पर एक पत्थर में नक्काशी किया हुआ कल्पवृक्ष नजर आता है। ऐसा कल्पवृक्ष हमने इससे पहले राजस्थान के तारंगा जी तीर्थ में देखा था। राजस्थान के तारंगा जी तीर्थ में मुख्य प्रवेश द्वार से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर छत में नक्काशीदार कल्पवृक्ष मौजूद है। माना जाता है कि इस कल्पवृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप जो कुछ भी मांगते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस पावन तीर्थ के मूलनायक भगवान श्री अमीजरा अजितनाथ प्रभु है। अजितनाथ भगवान की श्वेत वर्ण की पद्मासन और प्रसन्न मुद्रा में 31 इंच ऊंचाई की लगभग 350 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में चौमुखी प्रतिमा है। बाईं ओर से प्रभु आदिनाथ, फिर मुनि सुव्रत स्वामी और महावीर स्वामी की मनोहर प्रतिमा जी यहाँ प्रतिष्ठित है। इस जिनालय के गर्भगृह के बाहर श्री गजलक्ष्मी, श्री धनलक्ष्मी, श्री आदिलक्ष्मी, श्री धान्यलक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी और श्री महालक्ष्मी, इस प्रकार अष्टलक्ष्मी जी की प्रतिमा जी प्रतिष्ठित है। मंदिर की लेफ्ट साइड में सुंदर गार्डन और आगे बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। वहाँ से कुछ ही कदम आगे चलते गुरु मंदिर और आराधना भवन है। यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए अच्छी धर्मशाला और स्वच्छ भोजनशाला भी है। अगर आप कच्छ की ओर जा रहे हैं या फिर अहमदाबाद से 2.5-3 घंटे की दूरी पर किसी जैन तीर्थ की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो द्रांगद्रा के पास श्री तारंगा धाम जैन तीर्थ बहुत ही अच्छी जगह है। इस तीर्थ के संचालक और स्थानीय ट्रस्टियों का मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कृपया फ़ोन करने के बाद ही जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।